Welcome to my YouTube channel. This is second lecture of limits PGT अभी PGT entrance maths. तो जो हम लोग ये lectures पढ़ रहे हैं, ये TGT PGT entrance के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के entrance के लिए, नवोदय विद्यालय के entrance के लिए और किसी भी state के TGT PGT और LT grade के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। आप इस वीडियोस को अगर आप 720 पिक्सल में अगर आप देखेंगे, इस HD हाई डेफिनेशन में देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, विजिबल होंगी। ठीक है, तो मैं फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ लिमिट्स का, जिसमें हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन पढ़े थे। कुछ बेसिक डेफिनेशन, लिमिट क्या होती है, लिमिट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और मैं अभी आपको वही वाले प्रॉब्लम करवा रहा था कि जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या नहीं करेगी, हाउ टू चेक लिमिट विल एग्जिस्ट आर नॉट। ठीक है, तो उसी क्रम में मैं कुछ आपको आज और प्रॉब्लम करवाऊंगा। और बेसिकली आज हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे लिमिट्स के, वो बेस्ट होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर बेस्ट होंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर आपने अभी तक फंक्शन चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, उसका थोड़ा सा मैं आपको देख बता देता हूँ थोड़ी बात है। ठीक है, तो देखिए सिंबल क्या होता है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी पढ़ते हैं इसको, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। कैसे डिफाइन किया जाता है, इसमें अगर हम लोग देखिए इस ये जो ब्रैकेट है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, इसमें अगर आपने 2.1 डाला अगर आपने, तो ये आउटपुट जो देता है वो 2 देता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, इंटीजर पे तो ये इंटीजर देता है, जैसे मान लिया इसमें इनपुट दिया इंटीजर 2, आउटपुट क्या देगा 2, 2 से ज्यादा 2.1 2.2 2.9 2.99 तक भी क्या देगा 2 देगा, और फिर से 3 पे क्या देगा 3 देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपने इसको पढ़ा भी होगा। और इसका ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, तो ग्राफ का हम लोग काफी इस्तेमाल करेंगे। देखिए सर, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये जो डार्क लाइन और यहाँ पे ओपन सर्कल बना देते हैं, ये 0 to 1, ये हो गया 1 to 2, ये हो गया 2 to 3। ठीक है, ये -1 से 0, ये -2 से -1, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो ये सब ग्राफ है 0 to 1 में, 0 to when x lies between 0 to 1, उस समय जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0 आती है। और जब 1 से हम लोग चलते हैं आगे 1 से लेकर 2 तक, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, यह इसका ग्राफ, तो ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये क्या करता है, जैसे अगर इसमें अगर मान लीजिए मैं 2.01 देता हूँ, इनपुट 2.01 देता हूँ, इसमें जो फ्रैक्शन है इंटीजर कितना 2 है और फ्रैक्शन कितना 0.0, तो ये 0.01 बाहर दे देता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2.9, तो 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.9। ठीक है, तो ये 0.9 बाहर आ जाता है। नेगेटिव में अगर हम बात करें, नेगेटिव में बात करें जैसे -1.7, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आता है। ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.3। इससे ग्राफ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, मेन एक्चुअली इसका ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लिमिट में से ग्राफ का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना लें और मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का भी ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, उसको मेरा ध्यान से समझिएगा। ये मेरा देखिए एक्स एक्सिस है और 1 पे मैं एक डॉटेड लाइन खींच लेता हूँ, दिस इज डॉटेड लाइन, और ये पॉइंट कौन सा 1, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो ये सब ग्राफ कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे ओपन सर्कल होता है, ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, फ्रीक्वेंटली इसको इस्तेमाल करूंगा, इसको आप एकदम ध्यान में से समझ लीजिए अच्छे से, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। ये हो गया हमारा -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही आता है।
इस तरीके से सर्कल आप बनता जाता है, यहाँ पर ओपन सर्कल लग जाता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। आई होप सो दो फंक्शन का है आप समझ गए होंगे बात, एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक ग्रेटेशन के फंक्शन। इस पर बेस्ट मैं लिमिट से कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको सब। ठीक है, आप देखिए क्या क्वेश्चन है, मैंने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वहां जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड्स टू 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक तो राइट हैंड लिमिट 2 प्लस में निकालना है, एक 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, देखिए अगर हम इसका ग्राफ ऐसे में खींच के दिखाऊं, अगर आपको ये 0 से 1 में था, ये 1 से 2 में था, 0 से 1, 1 से 2 और यहाँ पे ये 2 से 3। ठीक है, ठीक। तो अगर आप देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मुझे इस इंटीग्रल पार्ट को, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, एक बार समझा दूँ फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बात कर लेंगे। इस इंटीग्रल पार्ट को यहाँ पर ब्रैकेट में कितना आपको देना है, 2 से थोड़ा ज़्यादा देना है, मतलब कितना देना है 2.0000001 मैंने दे दिया। ठीक, 2 से थोड़ा ज़्यादा दे दिया इसको, 2 से थोड़ा ज़्यादा अगर देंगे, 2 से थोड़ा ज़्यादा अगर देंगे तो बताइए इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट 2 आएगा। तो इसकी लेफ्ट जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना, कि अगर हम लोग जो है इसके यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है तो ये है 2, ये जो पॉइंट है ये है 1। ठीक है, तो 2 प्लस देंगे, 2 प्लस दिया हमने तो इसका लिमिट कितना आएगा, इसका लिमिट कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और 2 माइनस का मतलब 2 से थोड़ा कम दिया गया 1.999999999, तो बताइए इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट 1 आएगा। अब मैंने आपको बताया था नंबर जब 1 ये देखिए क्या है, 2 से छोटा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर 1.99 से छोटे, 1. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1.99 कुछ यहाँ पे होगा, इससे छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 2 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर अगर देखिए आप, ये 1 की तरफ अप्रोच, 2 पे जो राइट हैंड लिमिट है वो कहाँ की तरफ अप्रोच कर रहा है, और 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 आ गया और राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हम कहेंगे जैसे x टेंड्स टू 2 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। राइट, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो मैं इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा और इसकी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा। ठीक है, तो देखिए अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, 1 प्लस इसको देना है। ठीक है, तो 1 प्लस मतलब फ्रैक्शनल में मैं कितना दे दूं, 1.0000001 दे दूं। ठीक, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, वो आएगा दिस इज इक्वल टू 0.00000001, ये कुछ आएगा। ठीक है, तो अब ये नियरली कितना है, दिस इज नियरली इक्वल टू व्हाट, 0। तो वैसे भी आप ग्राफ से देखिए, अगर 1 प्लस की बात करें, 1 प्लस मतलब हम यहाँ पे हैं, 1 प्लस यहाँ पे हैं, तो इस समय इसकी वैल्यू लगभग कितनी है, 0 है। 1 प्लस मतलब 1 के थोड़ा आगे है, 1 के थोड़ा आगे है, तो ग्राफ से देखिए इसकी वैल्यू लगभग कितनी है, 0 है। तो इसके राइट हैंड लिमिट हम कितने बताते हैं, 1 बताते हैं। ठीक है, और अगर 1 से कम की बात करें, मतलब इसमें हमने कितना दिया है, 0.9999999999, तो ये तो फ्रैक्शन ही है, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.9999999999, जो भी है बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज नियरली इक्वल टू व्हाट, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1। यहाँ से ग्राफ से भी आप देखिए, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा पीछे है, 1 ये 1 है, 1 से थोड़ा पीछे, 1 से थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम लगभग यहाँ पहुँचेंगे, और ये लगभग यहाँ का मतलब ये वैल्यू लगभग कितनी आएगी, ये लगभग कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो जो लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0, तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0
मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए जीरो पे हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड पर चेक करेंगे और जीरो पे हम लोग लेफ्ट हैंड पर चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको मॉड की डेफिनेशन मालूम है कि मॉड ऑफ एक्स कैसे ब्रेक होता है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स कब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एंड माइनस एक्स कब व्हेन एक्स इज व्हाट, लेस देन जीरो, ठीक है। जीरो प्लस जीरो प्लस हमारा जीरो से ज्यादा है, जीरो से ज्यादा है तो मॉड ऑफ एक्स कैसे खुलेगा, एक्स की तरफ खुलेगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कितना हो गया, एक्स बाई एक्स और कैंसिल करना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, वन, राइट हैंड लिमिट वन आ गई और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा है कितना आएगा, मॉड ऑफ एक्स कितना आएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और एक कैंसिल होगा कितना आएगा, माइनस वन, तो राइट हैंड लिमिट आ गई वन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस वन, कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है इसका, आइए हम इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट को मैंने टू प्लस से लिख दिया और लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने टू माइनस से लिख दिया, ठीक है। तो टू प्लस का मतलब टू पे राइट हैंड लिमिट, टू को देखिए राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, ये कितना है, दिस इज वन और दिस इज टू, ठीक। तो टू पे राइट हैंड लिमिट कितना आने वाला है, टू आने वाला है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट समझ रहे हैं आप ना, कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है इसको टू से थोड़ा ज्यादा देने वाले हैं, 2.00001। बताइए इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है, इंटीग्रल पार्ट का जैसे इसे जस्ट छोटा इंटीजर, इसे जस्ट छोटा इंटीजर दिखाऊंगा टू, तो ये दे दिया टू प्लस। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में एक बात मैं बता दूँ, किसी भी इंटीजर के आगे अगर रहेंगे, जैसे टू के आगे यहाँ पे टू के राइट हैंड लिमिट की बात की जाए तो जीरो आएगा, किसी इंटीजर के आगे जब रहेंगे तो उस समय जो फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट आती है वो कितनी आती है, जीरो आती है, और किसी इंटीजर के जस्ट पहले आते हैं, पहले रहते हैं तो उस समय जो इसकी लिमिट आती है वो कितनी आती है, वन आती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी इंटीजर चाहे वन पे ही बात कर लें, टू पे बात कर लें, थ्री पे बात कर लें, टू के जस्ट आगे रहेंगे थोड़ा सा आगे तो ये किधर की तरफ अप्रोच करेगा, ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, टू के जस्ट थोड़ा सा पहले किसी भी इंटीजर के जस्ट पहले रहेंगे तो वो कहाँ की तरफ अप्रोच करेगा, वो वन की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो देखिए अगर हम लोग हमने लोगों ने इसको टू प्लस दिया तो राइट हैंड लिमिट निकाला टू से थोड़ा ज़्यादा, मतलब टू के जस्ट आगे रहेंगे, टू के जस्ट आगे रहेंगे कितना देगा, जीरो, और अंडर रूट जीरो कितना देगा, जीरो, टू प्लस जीरो इज इक्वल टू व्हाट, टू, तो जो इसके राइट हैंड लिमिट आगे वो कितनी आगे, टू। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, टू माइनस देना है इसको, टू माइनस का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर को कितना देना, 1.999999, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, वन आएगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कितना आएगा, वन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन प्लस। अब देखिए हम लोग टू माइनस निकाले, टू माइनस मतलब टू के जस्ट पहले है, टू के जस्ट पहले है तो कितना देगा, वन देगा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू वन, वन का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, वन, तो वन प्लस वन कितना जाएगा, टू, तो इस समय राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, टू, लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू टू, जब तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू टू, और आंसर इज व्हाट, टू, आंसर इज टू। फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें दोनों फंक्शन को मैंने कंबाइन कर दिया है, देखिए जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग और जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जीरो प्लस दिया, अब ध्यान से देखिएगा इसको, तो इसमें जीरो प्लस दिया, जीरो प्लस सबसे पहले किसको मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को कितना मिलेगा, जीरो पॉइंट जीरो से थोड़ा ज्यादा, 0.00001 ये फ्रैक्शनल पार्ट को मिला, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या करेगा, फ्रैक्शन ये तो खुद ही फ्रैक्शन है तो बाहर आ जाएगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.00001, इससे जीरो कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, मतलब हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं, इसको आप गिनने नहीं लगेगा कि इसमें इतना इतना दिया, इसमें छः था, इसमें पाँच था, ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो ये कितना होगा, 0.00 दिस वन, और इसका बताइए इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कितना आएगा, जीरो, जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आगे, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, जीरो माइनस की बात करें, जीरो माइनस का मतलब जीरो से जस्ट थोड़ा सा कम लेना है, तो ये सबसे पहले किसको मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को मिलेगा, कितना लेना है, माइनस 0.999999999 ये मिला, ठीक, किसको मिला, फ्रैक्शनल पार्ट को मिला, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या करेगा, कितना देगा, ये देगा 0.00001 ये देगा। इसको मैं कॉन्सेप्ट में समझा दूँ कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट मान लीजिए 1.7 निकालूंगा, अब 0.7 नहीं बताएंगे इसको,
नेगेटिव में। सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस दिस इज इक्वल टू वन माइनस और कितना माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कितना 1.7 और 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0.7, 1 माइनस 0.7 इज इक्वल कितना का 0.3। ये सिर्फ प्रॉपर्टी थी, इस तरीके से नेगेटिव वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं, जो फ्रैक्शन नेगेटिव वाली चीज़ें, जैसे फ्रैक्शन को मान लीजिए है फ्रैक्शन कितना है 0 माइनस, फ्रैक्शन में कितना माइनस 0.9999999। इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.9999999 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर भी आएगा 1.01 माइनस 0.9999999 और इसको सबट्रैक्ट करेंगे 0.00000 कुछ वन ऐसी चीज़ आएगी, वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे। और अब बताइए इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, मतलब इसे जस्ट छोटा इंटीग्रल कितना आएगा, जीरो आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आ रहा है, राइट हैंड लिमिट जीरो आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू 0, बिल्कुल मिल गया आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। दोस्तों आपको जो समझ में आई होंगी चीज़ें जो है, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग लिमिट्स को, कितने डिफरेंट मेथड्स से इवेल्युएट करते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।